अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड हैं, क्योंकि इस्लामिक स्टडी से एमसीक्यूज़ भी हर पेपर का हिस्सा होते हैं। तो जो क्वेश्चन, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस्लामियात के, जो बहुत से पेपर्स में आ चुके हैं, चाहे वो लेक्चरर के पेपर हो या वैसे जो वन पेपर होते हैं पीपीएससी के, तो उसमें ये एमसीक्यूज़ आते रहे हैं। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिवार्ड ऑफ विच प्रेयर इज़ इक्वल टू द रिवार्ड ऑफ हज और उमरा? नमाज इशराक, नमाज कसूफ, नमाज जनाजा या नमाज इस्तस्का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमाज इशराक। क्वेश्चन नंबर टू, असहाब काफ का गार किस मुल्क में है? उर्दन, शाम, मिस्र या लीबिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्दन। क्वेश्चन नंबर थ्री, तर्जमान अल कुरान के सहाबी का लकब है? अब्दुल्ला बिन रवाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद या अब्दुल्ला बिन उमर? तो तर्जमान अल कुरान लकब है हज़रत अब्दुल्ला इबन अब्बास का। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद का उर्दू में तर्जमा, पहला तर्जमा किसने किया? मौलवी मुरादुल असम्बली, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन या अहमद फराद? तो पहला उर्दू तर्जमा जो है कुरान मजीद का, वो किया था शाह रफ़ीउद्दीन ने। व्हेन वाज द मीट ऑफ डोंकी प्रोहिबिटेड? गद्दे के गोश्त कब हराम करार दिया गया? जंग बदर, जंग खैबर, जंग आज़ाब या जंग हुनैन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंग खैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन हाफिज कुरान टू मेमोराइज द होली कुरान? कुरान हिफ्ज करने वाली पहली हाफ़िज़ा कौन थी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिनत उमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हिजरी गजवा उहद वाज़ फाट? गजवा उहद कब लड़ा गया? दो हिजरी, चार हिजरी, पाँच हिजरी या तीन हिजरी? तो दुरुस्त जवाब है तीन हिजरी। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड अबुल बशर? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, बहुत ही एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत ही एंड बी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कुफार्स इन बैटल ऑफ बदर वार? बैटल ऑफ बदर, बदर की जंग में कितने कुफार की कितने थे, कुफार की तादाद क्या थी? 1000, 1100, 1200 या 1300? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1000। हाउ मैनी मुस्लिम्स वार मार्टर्ड इन बैटल ऑफ बदर? 7, 14, 21 और 28? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14। हाउ मैनी कुफार्स वार किल्ड इन बैटल ऑफ बदर? 50, 70, 120, 200? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 70। विच सिटी इज कॉल्ड द होम ऑफ हदीस? मक्का, मदीना, बगदाद, बसरा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदीना। 8 मिनट में, द विच इज़ द बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन द होली कुरान? हनी, मिल्क, वाटर या जूस? बेस्ट ड्रिंक मेंशन इन द होली कुरान इज ऑप्शन, इसका है आंसर बी, मिल्क। यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट एनिमल मेंशन इन द होली कुरान इज? फिश, व्हील, एलिफेंट, एनाकोंडा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट एनिमल मेंशन इन होली कुरान इज? आंट, मॉस्किटो, स्पाइडर या फ्लाई? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? कुरान की कितनी सूरतें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं? तो ये सिर्फ सिवाय सूरह तौबा के तमाम सूरतें जो हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती हैं। तो इसका जवाब होगा 113। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती।
हाउ मेनी सूरा नेम इज़ ओनली वन लेटर, कितनी सूरतों का नाम जो है वो सिर्फ एक लेटर है, एक हर्फ है, 2, 3, 4 या 5, तो ये टोटल 3 सूरतें हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नतुल बकी इज़ लोकेटेड इन मक्का, मदीना, बगदाद या पैलेस्टाइन। जन्नतुल बकी कहाँ वाक़या है, मक्का में, मदीना में, बगदाद में या पैलेस्टाइन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मदीना। विच एंजल विल ब्लो द ट्रम्पेट एट द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के मौके पर कौन से फरिश्ता जो है वो शोर फूंकेंगे, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील, हज़रत जिब्राइल, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हज़रत इसराफील। हाउ मेनी टाइम्स द ट्रम्प विल बी ब्लोन बाई हज़रत इसराफील, हज़रत इसमाइल शोर कितनी बार बजाएंगे, 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर है 2। नमाज के फ़रैज़ कितने होते हैं, 11, 12, 13 या 14? तो नमाज के फ़रैज़ जो हैं वो टोटल 13 हैं। वुज़ू के फ़रैज़ कितने हैं, 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, वुज़ू के 4 फ़रैज़ हैं। गुसल के कितने फ़रैज़ हैं, 3, 4, 5 या 6? गुसल के फ़रैज़ की तादाद 3 है। इन विच सूरा एवरी वर्स एंड विद लेटर रा, कौन सी सूरत है जिसके हर आयत जो है वो रे पर ख़त्म होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरतुल कौसर। इन विच सूरा एवरी वर्स एंड विद लेटर दाल, इकरा, सूरत इकरा, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत बलद। तो सूरत इखलास की हर आयत जो है वो दाल पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा इज़ रिवील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अहले बैत, अहले बैत की शान में कौन सी सूरत नाज़िल हुई, सूरत अल-बकरा, सूरत लुकमान, सूरत अद-दहर, सूरत अन-निसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हाउ मैनी सन्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड, 1, 2, 3 या 4? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। नेम ऑफ द सन ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम क्या थे? हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक। ट्रिब्यूट्स ऑफ अल्लाह आर मेंशन्ड इन सूरा यासीन, सूरतुल मैदा, सूरत रहमान, सूरतुल हदीद। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी सूरतुल हदीद। हाउ मेनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड